हालांकि सर देखने में आ रहा है कि गीतांशु सेठिया को न्यायपालिका के द्वारा बेल मिल गई है, किस तरह से देखते हैं सर सारा मामला? क्योंकि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के अधिकारियों के द्वारा ये आरोप लगाए गए कि उनके साथ मारपीट हुई और जानलेवा हमला हुआ। किन तथ्यों के आधार पर आपने अपने केस की पैरवी करी और क्या क्या ऐसे तथ्य थे जो किसके खिलाफ जाते हुए नजर आए? देखिए, हमारा यहाँ एक रिवाज बन गया है कि प्रशासन कभी भी अपनी गलती नहीं मानता, और जहाँ पुलिस इन्वॉल्व है तो वो तिल का ताड़ बनाएगी अपने पक्ष में और किसी भी नागरिक की कोई बात सुनी नहीं जाती है। केस में बहुत सिंपल था कि एक आदमी को 11:30 बजे रात को हाथ दिया जाता है, पुलिस साइड में होती है, एकदम नज़र नहीं आता, उसकी बीवी 1.25 साल की बच्ची वो साथ में है, अनजान कोई भी सुनसान रोड पर कोई हाथ देता है तो आदमी के मन में संशय होता है। करीब वो 70-80 मीटर आगे गया, फिर उसको बीवी को नज़र आया कि पुलिस थी, तो उन्होंने गाड़ी रोकी। बस इतने सी जो पुलिस के अहम पे चोट पड़ी कि हमने हाथ दिया और आप नहीं रुके, इस बात पर पुलिस वालों ने बहुत बदतमीजी की। उस व्यक्ति को कहा कि भाई आप अपने डिक्की चेक कराओ, वो उतरा है अपनी सीट से, आके पीछे डिक्की तक आया है। इस बीच पुलिस वालों ने उसको गाली गलौज की और 2 थप्पड़ मार दी, सिर्फ उनके इशारे पर, कहते ही नहीं रुकना, इसी बात पर थप्पड़ मारी, उसने टोका तो और मारने लगे, उसकी बीवी आड़ी फिरी। आड़ी किसके फिरती है? बचाव जिसका करते हैं उसको बचाया जाता है, न कि हमलावर के आड़ा कोई फिरता। हमलावर के आए आड़े फिरेगा तो उसको पकड़ेगा, आड़ा नहीं फिरता। उसके बाद अचानक एक धक्का आता है पीछे से और गीतांशु जमीन पर गिरता है औंधे मुंह। उसके टल्ले से एक पुलिस वाला जो सामने खड़ा होता है वो यूं का यूं गिरता है उल्टा, तो उसके सिर जमीन से टकराने की वजह से एक मामूली चोट आई थी। बात इतनी सी थी, हमलावर कभी भी नीचे खुद नहीं गिरता है, वो किसी न किसी को लेके गिरता है या उसके ऊपर हमला करता है। अब कहानी बनाई गई, तब उसके हाथ में कुछ नहीं। उसके बाद जैसे गिरने के बाद पुलिस वालों ने डंडा वंडे से पिटाई की, तो उसके दौरान उसने डंडा छीना और जैसे ही उसने डंडा छीना पुलिस वालों ने उनको एक आदमी ने पीछे से पकड़ लिया। पूरा ये इलेक्शन कमीशन की सीडी के अंदर पूरा पिक्चर है, लेकिन ये हिंदुस्तान के पुलिस और प्रशासन और स्पेशली राजस्थान में जो स्थिति है कि उन्होंने इतना झूठा केस बनाया कि साहब उसने रोकते ही गाली गलौज की कि तुम कौन होते हो और मुझे जानते नहीं और मैं ये कर दूंगा और वो कर दूंगा। तेश में आके उसने पुलिस वाले पे हमला कर लिया कार के अंदर से डंडा निकाल के और राइफलें तक छीन ली। इतनी कमजोर पुलिस नहीं, 8 लोग वो थे, अकेला आदमी था, उसकी बीवी और बच्चे हैं साथ में, वो इतना कुछ करेगा? मतलब अत्याचार की जो सीमा है, आप सही केस बनाए, प्रशासन से अपेक्षा की जाती है, लोगों से आप रोज शपथ करवाते हो कि सदा सत्य बोलो, और यहाँ लोगों के साथ इस तरह का अत्याचार कर रहे हो कि बस आदमी को किसी भी हालत में 307 का केस बना दिया, जबकि जिस पुलिस वाले के 2 टाके आए वो रात को 4 बजे वापस ड्यूटी पे चला गया। तो इससे ज्यादा कोई अत्याचार नहीं हो सकता। बताया जा रहा है कि जांच में चल रहे थे और 8 से 9 दिन की उनको एक जेल की सजा काटनी पड़ गई। जी हाँ, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि जांच हुई नहीं उसके पहले ही। नहीं, मैं तो जुडिशरी पे भी, हम लोगों ने जब वकालत शुरू की थी तब 307 और 302 तक के केस में यदि उसकी प्रॉपर्टी देखी जाती, सिर्फ धारा नहीं देखी जाती थी, उस केस में क्या है, क्या कोई एविडेंस है, जब पहले ही दिन सिंपल और ब्लंट एक चोट आई है, सिंपल और ब्लंट मतलब बहुत रहे हथियार से साधारण चोट, वो 332 से अधिक का केस नहीं है जो मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायबल है, तो मजिस्ट्रेट को जमानत ले लेनी चाहिए थी। लेकिन अब परिस्थितियां जब हमने वकालत शुरू की थी तो भारी से भारी केस में भी मजिस्ट्रेट पत्रावली देखता था, पुलिस के कहने पर नहीं चलता था, लेकिन अभी जो है वो स्थितियां वो नहीं रही है। आज सेशन में भी जमानत लेने के लिए बड़े चने चबाने पड़े, तो ये जो 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 लगातार एक हिम्मत तोड़ी जा रही है न्याय व्यवस्था की भी, बहुत अच्छे जजेस आज भी है, पर लगातार इसमें जो एक हिम्मत की कमी आ रही है वो एक चिंता का विषय है। फिर नागरिक कहाँ जाएगा? जिस पुलिस के ऊपर सुरक्षा की बात है वो उल्टे फर्जी केस लगाए, और जिस न्याय व्यवस्था से न्याय मिलने की उम्मीद है वो त्वरित और ढंग से न्याय नहीं दे पाए, और इसके लिए बच्चों को तरसना पड़े 7-7, 8-8, 10 दिन, ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। लोकतंत्र का जो पतन है उसकी मैं एक और कड़ी है,
जो अच्छे और सभ्य नागरिकों के लिए सोचने का विषय। कानून की बात माने या सुप्रीम कोर्ट की बात सुने, तो कहा जाता है कि प्रारंभिक स्तर पर कोई भी मामला हो तो उसे कम से कम धाराओं में जोड़ा किया जाए, लेकिन यहाँ पर तो देखने को मिल रहा है कि रातों रात कार्रवाई हो गई है, उसके बाद त्वरित कार्रवाई करके जेल भी भेज दिया गया। तो क्या ये बताना चाह रहे हैं जो वर्दीधारी हैं, ये क्या बताना चाह रहे हैं आखिरकार? भाई उस सुप्रीम कोर्ट को मानता कौन है? पुलिस तो पुलिस है। दिक्कत ये है कि ये बिल्कुल साफ लिखा है कि कम से कम धारा में आप रजिस्टर करें और जैसे जैसे साक्ष्य आती है वैसे वैसे आप धाराओं को बढ़ाते रहे। यहाँ तो बिना साक्ष्य पहले ही 307 की धारा लगा दी है ताकि अगला अंदर रहे और उसको ये लगाए कि पुलिस भी कुछ होती है, ये उसको सबक मिले कि पुलिस क्या होती है। पुलिस का जो ये जो एक आतंक लोगों के दिमाग में हो, ये पैदा करने की कोशिश की गई है। पूरा जैन समाज आक्रोशित हुआ जब जाके ये मामला कहीं जाके सॉर्ट आउट होता हुआ नजर आया, आपकी भी मदद से सॉर्ट आउट होता है। अगर इस तरह से कोई समाज आगे नहीं आता तो किसी व्यक्ति को तो जेल में जाना पड़ जाएगा। मुझे लगता है कि जैन समाज के जो नेता थे, जो मुझे है, हो सकता पार्टी की ओपिनियन अलग हो, ये मेरी राय है, उनके किसी दबाव का कोई असर नहीं रहा। क्योंकि पहले ही दिन सिंपल ब्लंट आ गई थी पुलिस वालों ने, फिर डॉक्टर से ओपिनियन मांगी, डॉक्टर ने कहा बिल्कुल सिंपल ब्लंट है, कोई प्राण घातक चोट नहीं है, तो धारा 332 से अधिक का केस था ही नहीं। हाँ, इनके जो काउंटर एक FIR थी उसको भी लिक्विडेट किया गया, समाज के जो भी ठेकेदार रहे हैं उन्होंने इसको लिक्विडेट किया, इनके साथ न्याय नहीं हुआ है, ये समझते नहीं है। मैं इस बात का विरोधी था कि नहीं, मुकदमा दर्ज होने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो भी स्थिति है सामने आई है। हमने कोर्ट में भी पेश किया कि हमने परिवाद किया है, पुलिस जांच करे नहीं करे एक अलग बात है, पुलिस ने गलती की तो पुलिस भी भागीदार होगी, इसमें कहाँ दिक्कत है। किन आधारों पर आपने बेल दिलवा दी, क्योंकि वाकई में एक बड़ा हाई प्रोफाइल मामला होता जा रहा था ये। इनकी किस्मत अच्छी थी कि उसी इलेक्शन कमीशन के कैमरे में सच्चाई सामने आ गई। मैंने साफ कहा है कि ये सब पुलिस है, कुछ भी झूठ बोल सकती है, सच भी बोल सकती है, पर कैमरा झूठ नहीं बोलता। और हमने उसको क्लिप को चला के बताया, मैं कहा बताइए सर कहाँ बदतमीजी की, कहाँ कार्य में बाधा हुई, आदमी को कहा हाथ दिया आगे रुका, रुकते ही उसने पेट खोला, वो डिक्की खोल रहा है, पीछे से धक्का आता है, पीछे से किसने मारी है, उसकी बीवी हमलावर को रोकने की कोशिश करती है, वो खुद गिरा है, किसी को इसके हाथ में कोई हथियार नहीं है, फिर भी ऐसा केस बना दिया गया कि राइफल तक छीन ली। तो ये कोर्ट ने देखा है इस बात को, फिर आयोग को बुलाया कि इस CD के अलावा भी आपके पास कोई एविडेंस है क्या? तब आयोग ने कहा नहीं साहब, यही है और ये स्थिति ऑथेंटिकेटेड है, जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा पुलिस के माध्यम से ही प्रेस में भी जारी हुई थी। कुछ भी कह सकती है पुलिस, जो दो बयान लिखती है इसके आधार में किसी आदमी की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया जाता है। आप देख नहीं रहे 7 भर के बाद जमानत होती है और कोर्ट कहती है कि इसके खिलाफ कोई केस ही नहीं बनता। ये तो पुलिस के लिए शर्मनाक है, उनको खुद को सोचना चाहिए कि हमारे केस आगे जाके कमजोर क्यों साबित होते हैं। क्या नागरिकों को 7 दो दो साल सड़ाने के लिए आप हैं? आपको न्याय के लिए बात की, आपको सच्चाई नहीं पता करनी है। बस FIR हो गई, इसका मतलब ये थोड़ी कि केस को साबित कर ले। ना साबित भी होते हैं, कम साबित भी होते हैं, झूठे भी पाए जाते हैं, आपको निष्पक्ष कार्रवाई करनी चाहिए। पर अब हिंदुस्तान के जो और पुलिस है उसमें वो करेक्टर नहीं रह गया है। किस तरह से देखते हैं सर, जिस तरह से पुलिस की कार्रवाई हो रही है और जनता में जो विश्वास का भी अपघटन होता जा रहा है उनको लेकर, क्या आने वाले समय में विश्वास बना पाएंगे हालात अगर इसी तरह से रहे तो? देखिए हमारे बचपन में डॉक्टर पे कोई अविश्वास नहीं करता था, अब कई मामलों में पता लगा कि पैसा लेके वो रिपोर्टें चेंज करते हैं, चाहे एक आध आदमी ने किया लेकिन एक जनरल अविश्वास हो गया। पुलिस पैसा लेके गड़बड़ करती है, एक मामले में भी किया लेकिन हमेशा पुलिस के हर एक्शन पे लोगों में एक शक पैदा होता है। ये लगातार जो शक पैदा होते हैं ये आगे आने वाले समय के लिए समाज के लिए बहुत घातक है, और इन व्यवस्थाओं के ऊपर लोगों का विश्वास उठता है तो वो वायलेंस होता है, फिर उसके खिलाफ जैसे आज समाज इकट्ठा हुआ, कई बार उसके तोड़फोड़ और बड़े आंदोलन के रूप में चला जाता है। यदि आदमी ईमानदारी से अपना काम करेगा और सबको विश्वास में लेके करेगा कि देखिए भाई ये सच्चाई है आपके सामने, तो उससे और ये मजबूत होगा समाज। पर ये लगातार सभी पक्ष, चाहे राजनेता हो, चाहे समाज के ठेकेदार हो, चाहे पुलिस हो या प्रशासन हो, जिस दिशा में ये लोग जा रहे हैं, ये देश को बर्बाद करने की दिशा में जा रहे हैं। मेरा तो इतना ही कहना है।